Hi kids, this is Arnup Murmanna and you are watching Smart Kids Art. Let's learn with fun. Well friends, आज हम लोग ड्रॉइंग करने जा रहे हैं. एक बास्केट में कुछ फ्रूट्स रखा हुआ है. सो फ्रूट्स इन बास्केट. तो पहले एक बनाइए इस तरह एक स्ट्रेट लाइन. कोशिश करें ड्राइंग को बड़ा करने के लिए. स्ट्रेट लाइन हो जाने के बाद एक स्लैंटिंग लाइन यहां लेफ्ट साइड से इस तरह बना दें. अब यहां ड्राइंग करते हैं कुछ फ्रूट्स. तो यहां पहले एक एप्पल को ड्राइंग कर देते हैं. ये दिखा रहे हैं कि नीचे और भी फ्रूट्स है और उसके सबसे ऊपर में इस तरह एप्पल रखा हुआ है. ये हो गया एप्पल का स्टिक, डंटी हो गया. अब यहां चलिए ऐसे एक गोल कर देते हैं जो कि आपको समझ आया होगा. यस, एक ऑरेंज और एक ये दूसरा ऑरेंज है. दोनों ऑरेंज में वहां दो दो छोटा छोटा गोल कर दीजिए. अब चलिए इस तरह एक कर्व लाइन बनाए और इस साइड में भी ऐसे एक कर्व लाइन बनाए ताकि हम लोग एक बनाना ड्राइंग कर सकें. ये हो गया बनाना का डंटी. बहुत आसान है. बीच में एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें. अब चलिए कुछ यहां ग्रेप्स को ड्राइंग करते हैं. इस तरह छोटा छोटा ऐसे ओवल शेप में ऐसे गोल ड्राइंग करें. एक के नीचे एक ऐसे ड्राइंग करते जाएं. अपना हिसाब से आप ऐसे ड्राइंग करें. बहुत आसान है. ये देखिए ग्रेप्स बन रहा है. सो ये देखिए बहुत सारा ग्रेप्स मैं बना रहा हूं यहां. ऑलराइट, अब यहां देखिए इसके सीधा एक लाइन ड्रॉ कर दे और एक स्ट्रेट लाइन लाके यहां इसको ज्वाइन कर दे. तो हो गया नीचे बास्केट. अब यहां इसका स्टिक को ड्राइंग कर देते हैं. ग्रेप्स का स्टिक हो गया. अब फ्रेंड्स यहां कुछ स्ट्रेट लाइन बना देते हैं जो कि खूबसूरत दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा. जस्ट सम स्ट्रेट लाइंस ये बास्केट में, नहीं तो बास्केट बिल्कुल खाली खाली दिख रहा था. अब आइए यहां बास्केट का एक हैंडल बना देते हैं गोल करके ऐसे. फिर डबल लाइन बना दीजिए यहां लाके यहां ज्वाइन कर दें. दैट्स ऑल. अब यहां इस तरह कुछ छोटा छोटा लाइन ड्रॉ कर दें जिसमें उस हैंडल का डिजाइन पता चलेगा. अब आइए यहां एक दूसरा एक छोटा फ्रूट ड्राइंग कर देते हैं. एक छोटा एक लीची. अब यहां सबसे कौन सा फ्रूट आपको ज्यादा पसंद है आप जल्दी से कमेंट में अभी लिखें. और अब आइए इसको कलर करते हैं.